अपने वाहन से सफर करने की सोच रहे हैं तो उससे पहले ये खबर देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है आपको आपके शहर से बाहर जाने के लिए हाईवे पर भारी जाम का सामना करना पड़े। जी हाँ, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज से देश भर में फास्टैग अनिवार्य हो गया है, और अगर आपने अभी तक अपने वाहन पर फास्टैग नहीं लगवाया तो जाहिर तौर पर आपको टोल प्लाजा पर लंबे जाम का सामना करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, आपको पहले के मुकाबले दोगुनी राशि का भी भुगतान करना पड़ेगा। टोल प्लाजाओं पर फास्टैग के लिए जो ढील की अवधि थी वो आज खत्म हो गई है, और अब आप ठीक तरह से मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से लंबी लंबी जो लाइनें हैं, जिन लोगों ने अभी तक फास्टैग नहीं लगवाया है उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नेशनल हाईवे 1 पर इस समय हम खड़े हैं, अमृतसर दिल्ली नेशनल ये हाईवे है, और आप देख सकते हैं कि अलग अलग लेन्स जो हैं वो बना दी गई हैं। जो लोग अभी तक फास्टैग नहीं लगवा पाए हैं उनकी एक अलग लाइन बनाई गई है, और जिन्होंने फास्टैग लगवा लिया है वो बिना किसी परेशानी के इस टोल से गुजर रहे हैं। और जिस तरह से आप ये तस्वीरें जाम की देख रहे हैं, इन लोगों को और एक्स्ट्रा पेनल्टी भी यहाँ पर भरनी पड़ रही है, क्योंकि सरकार ने पहले ही आदेश दिए थे कि जो लोग 15 दिसंबर तक फास्टैग नहीं लगवाएंगे उनसे बाद में दोगुना टैक्स वसूला जाएगा। इस समय हमारे साथ टोल प्लाजा के मैनेजर मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। सर, प्रोसेस यही है कि जो टैग लेन हैं उनमें स्पेशली कोई भी गाड़ी नॉन टैग की नहीं जाएगी, जो भी जाएगी वो सिर्फ टैग की जाएगी। कैश वाली गाड़ी कोई भी जाती है तो उनसे डबल टोल चार्ज किया जाएगा। सर, उसके लिए हम लोग हैंडल मशीन का प्रयोग कर रहे हैं, हर लेन में अलग अलग हैंडल मशीन यूज़ कर रहे हैं, हर जगह लड़के तैनात हैं, जिससे ट्रैफिक हम लोग चाह रहे हैं कि कंजेशन कम हो और लोगों को परेशानी कम हो। प्लस उनको हम ये गाइड कर रहे हैं कि आप लोग फास्टैग जितनी जल्दी लगाएंगे उतना आपको प्रॉब्लम से फायदा है। सुरक्षा व्यवस्था सर पूरी है, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पूरा सपोर्ट है सर। वो पिछले मतलब कल से सारे डिप्यूट हो चुके हैं, पुलिस फोर्स प्लस हमारे ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब यहाँ पे हैं, सारा सपोर्ट है सर एडमिनिस्ट्रेशन से। फास्टैग नए लगवाने वाले लोगों को घंटों जाम में फंसकर दोगुना टोल भरकर यहां से निकलना पड़ रहा है, ऐसे में लोगों में नाराजगी भी है। लोगों का कहना है कि कई टोल प्लाजाओं पर जाने के बाद भी फास्टैग नहीं मिल रहे, और कई जगह तो पेटीएम का सर्वर भी डाउन हो गया है। लोगों का कहना है कि सरकार ने इस नियम को सही ढंग से लागू नहीं किया है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि जिस भी टोल टैक्स पे जाते हैं फास्टैग मिल ही नहीं रहा। कल मैं गया था किसी टोल टैक्स पे, उनका पेटीएम का सर्वर ही डाउन था, 2 घंटे लाइन में लगने के बाद भी मुझे फास्टैग नहीं मिला। कोई भी बैंक वाला नहीं है जो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, हर बंदा अवॉइड कर रहा है। जल्दबाजी में लिया वो डिसीजन है? जल्दबाजी में है, प्लस इम्प्लीमेंट ठीक नहीं हुआ है, इसको टाइम देना चाहिए था, उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट करते, एटलीस्ट फास्टैग तो प्रोवाइड करते सबको पहले। फास्टैग की अवेलेबिलिटी बहुत कम है, फास्टैग पता नहीं कहाँ मिल रहे हैं कहाँ नहीं, उसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए। अगर ये लागू किया है तो उसका मुझे पता होना चाहिए कहाँ मिल रहे हैं हमें, वो देखो ना ट्रैफिक इतना जाम हो रहा है देखो। वहीं टोल प्लाजा पर कानून व्यवस्था को भी मद्देनजर रखते हुए पुलिस कर्मियों की तैनातगी की गई है। हमारे एसपी साहब ने ड्यूटियां लगाई हैं, सभी मुलाजिम ड्यूटी पे खड़े हैं, ठीक है, पब्लिक को कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, एक्स्ट्रा फोर्स मंगवाई गई है। फास्टैग न लगे होने की वजह से हो रही परेशानी को देखते हुए लोगों ने अब फास्टैग बनवाने शुरू कर दिए हैं। इसके लिए टोल प्लाजा पर अलग बूथ भी बनाए गए हैं। अब फास्टैग बनवा रहे लोगों की माने तो उन्हें जानकारी मिली है कि फास्टैग न होने की स्थिति में डबल टोल वसूला जा रहा है और जाम का भी सामना करना पड़ेगा, इसलिए वो आज फास्टैग बनवाने पहुंचे हैं। एक्चुअली अज सानू पता चला कि अज लास्ट डे है, तो असी क्या नाम है काफ़ी देर तो इतने खड़े हैं, तो स्पैशली यही फास्टैग लगवाण लई आए हैं, तो इतने तुसीं देख सकते हो बहुत ही भीड़ है, ठीक है जी। तो अजे पता चलिया कि डबल साढ़े तो टोल लिया जाऊगा जे अदरवाइज अगे जाने अस। लोगों को फास्टैग जिन्होंने नहीं लगवाया परेशानी जरूर हो रही है, जाम की स्थिति बन रही है, लेकिन इस स्थिति से निपटने के लिए इंतजाम भी पूरे हैं।